I'm sorry, sweetie. Sweetie, देख तेरी माँ बुला रही है तुझे. अरे मेरी बात मान, रुक जा. Please, sweetie, रुक जा. Sweetie, मेरे लिए रुक जा. I love you, sweetie. मुझे कुछ नहीं सुनना. Sweetie, रुक जा. अरे जल्दी चला. Sweetie, रुक जा. पकड़ो, अरे उसको पकड़ो रे, पकड़ो. रुक जा, sweetie. मैं कान पकड़ रहा हूँ. Stop following me. सर, मिस कॉल के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो. सर, फॉरेन का नंबर है. फॉरेन का? हाँ. देखो डीके, जिंदगी में कभी तीन चीजों को इग्नोर मत करो. एक तो फॉरेन का कॉल, दूसरा यूके का माल, और तीसरा झड़ते हुए बाल, वरना राहुल बोस की तरह पछताना पड़ेगा. कैच. जब आम हिंदुस्तानी इंजीनियर डॉक्टर बनने के सपने देख रहा था, तब भूला भाई ने एनआरआई बनने का फैसला किया. लंदन पहुंच गए इलीगली, लेकिन बेचारे पकड़े गए और डिपोर्ट कर दिए गए. रिटर्न फ्लाइट में उन्होंने कसम खाई कि जो काम वो नहीं कर पाए, फ्यूचर में वही काम उनकी औलाद करे. और इसी बात के चलते उन्होंने अपनी इकलौती बेटी स्वीटी की शादी एक एनआरआई से तय कर दी. गुड मॉर्निंग जसू भाई. अरे नया नंबर है तो क्या हुआ? जब मैंने फॉरेन का नंबर देखा ना, तभी मैं समझ गया था कि हो ना हो आ तमारो नंबर जे. इसु कर छो, सोफा गीला हो जाएगा. अरे जसू भाई का फोन है लंदन से. हे कुड़ियार मां, बस ऐसे हमारे परिवार पे कृपा करती रहना. क्या शु बात करो जो? बॉबी किसी लड़की के साथ भाग गया, गोरी के साथ? लेकिन जसू भाई ये कैसे हो सकता है? हमारी स्वीटी के साथ उसकी शादी तय हुए. क्या हो गया? अरे भाड़ में जाने दो ना उसको. हमारी स्वीटी को हजारों लड़के मिल जाएंगे. हजारों नहीं, बस एक है नारा है. चिकना मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम स्वीटी की शादी किसी एनआरआई के साथ ही करोगी. ऐसी बातें मत करिए ना अभी. मैडम सर तो निकल लिए. कन्या बन रहो सावधान, स्वस्ति ना ही प्रो. ए कौन है बे? कम ऑन डैड, मैं आपकी बेटी हूँ स्वीटी. हेलो एल और एफ एल एल एम ओ. वो मोटू बोल रहा है कि वो मेरा साला है, और ये बुढ़ी चुड़ैल बोल रही है कि वो मेरी बीवी है, और अब तुम कह रही हो कि तुम मेरी बेटी हो. इन्हें क्या हो गया है? बहन, जीजाजी को है ना गहरा शौक लगा है. अरे ऐसा क्या हो गया? अरे वो कमीना बॉबी मेहता भाग गया. वाओ, बॉबी मेहता भाग गया? व्हाट, बॉबी मेहता भाग गया? ओह दैट्स सो सैड. डॉक्टर साहब जरा आराम से लगाना प्लीज. इंजेक्शन है मैडम, थोड़ी तकलीफ तो होगी. कूल जीजाजी, कूल. तब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे जीजाजी कब तक ठीक हो जाएंगे? ऐसे केस में कुछ नहीं कह सकते. शायद अभी ठीक हो जाए, शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे.
हे भगवान, मतलब ये पूरी जिंदगी गजनी की तरह रहेंगे। हे खोटिया और माँ। हाँ, डैड ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। डॉक, ओके? मैं कराई दूँ? हाँ बोलिए। क्यों ना हम जीजाजी को हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक दे दे? या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जीजाजी के पीछे पागल कुत्ते छोड़ दे काटने के लिए। ये कैसी राय है? देखो बेटा, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही शॉक शॉक को काटेगा। नो, काटने पीटने की ही बात करेंगे आप अमित भाई? डैड, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? अरे जीजा जी, आप मुझे बताइए ना, मेरे इतने कॉन्टेक्ट है ना, मैं एक आवाज पे 10 NRI लड़के खड़े कर दूंगा। अरे 10 क्या, हजारों NRI लड़के खड़े हो जाएंगे। सिर्फ एक फोटो अपलोड करने की बात है। कहा? झटपट matrimony.com। आपकी शादी भी वही हुई थी क्या? कोशिश जारी है। कोशिश। तुम सत्य छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो वासुदेव, लेकिन मैं मथुरा नरेश कंस सत्य जानकर ही रहूंगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वयं बता दो सत्य है क्या। सत्य वो है जिससे तुम्हारी फटती है। क्या यार, पूरे रिहर्सल का कबाड़ा कर दिया तूने। कबाड़ा कबाड़ा तो इसने मेरी लाइफ का कर रखा है। ओ गॉड, फिर से वही सब हो गए रिहर्सल्स आज तो। रियली यार, ये सब बातें बाद में भी तो कर सकते थे, मेरी रिहर्सल चल रही है। नहीं, मुझे अभी बात करनी है इसी वक्त। कम ऑन स्वीटी, तुम्हें रिहर्सल के टाइम में झगड़ा क्यों सूझता है? हाँ, आई मीन शो के लिए थोड़ा ही टाइम है बाकी यार, थोड़ा कोऑपरेट करो। कोऑपरेट? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलने वाला। देखे मैंने तुम्हारी प्लेस, लास्ट टाइम ना अकेले मैं बैठी थी ऑडियंस में, इसलिए कहती हूँ मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे उससे क्यों लज रही हो यार, मैं चल रहा हूँ ना। तो चलो चलो। नहीं, अरे मेरी धोती गिर जाएगी। चल, अरे शट अप, बैठो उधर। फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, देखा नहीं ऊपर वाला कैसे हमारी मदद कर रहा है? बॉबी मेहता तो खुद ही भाग गया। हर कोई बॉबी मेहता नहीं होता आकाश, I'm telling you, अब सीरियसली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे तो घर वालों से बात करने देते हो और खुद भी नहीं करते हो, ऐसे कैसे होगी हमारी शादी? रिलैक्स यार, डोंट वरी। क्या घंटा डोंट वरी? तुमसे शादी करने की टेंशन में ना मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियां हो जाएंगी। पता है उस उल्लू के पट्टे डॉक्टर ने ना डैड को मैट्रिमनी साइट का आइडिया दे दिया। I'm telling you, आकाश, एक बार प्रोफाइल ऑनलाइन हो गई ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सारी दुनिया के NRIs बस इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब द स्वीटी देसाई अपना प्रोफाइल ऑनलाइन करे और वो प्रपोजल भेज दे। जिस दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा। ऐसे कैसे हो जाएगी किसी और से शादी? मैं होने ही नहीं दूंगा, हैकर की तरह हैक करके ले जाऊंगा तुझे। आई विश के ऐसा ही हो आकाश, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। आई नो, बट यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। साथिया ये क्या किया, क्यों है समान ख्वाब सा। ओ साथिया ये वादियाँ दे रही सदा संग को थामे
जरा तू मेरा नाम ले, जरा ख्वाबों की है ये दास्ता सुन जरा। आसमां पे चांद तारे संग जले हमरा ही, बादलों पे सागरों पे हम चले हमरा ही, ओ हमरा ही, ओ हमरा ही। आसमां पे चांद तारे संग जले चले हम राही। आसमां पे चांद तारे संग चले हम राही, बादलों पे सागरों पे हम चले हम राही। शादी का कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये देखो एक और शादी, वो भी एनआरआई के साथ, ये अंकिता की। अरे तू जितने सी छोकरी। हाँ स्वीटी का है। अरे वो कहाँ उठती है इतनी जल्दी, ऊपर सो रही है। स्वीटी क्या हुआ डैड? फोटो का क्या हुआ बेटा? डैड हो जाएगा एक दो दिन में, एक दो दिन में। नाइस डैड। फोटो का क्या हुआ? एक दो दिन में हो जाएगा डैड। स्वीटी डैड एक दो दिन में हो जाएगा, पक्का 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 पक्का। फोटो एक दो दिन में हो जाएगा डैड। जब देखो तब स्विच ऑफ। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने सबको, हर एक को आवाज उठाने का आजादी, जैसा हमारा बापिदा ने गान गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। मुझे तुमसे पूरा इंडिया को दादा ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिखाया, डिस्को सिखाया। कौन है? चुप रहना, डेमोक्रेसी नहीं है, आवाज उठाओ। मुझे अभी बात करनी है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो मन में आया बोल दो। तुम अभी तक क्यों बैठा है? नारी खड़ा है बाहर और तुम अभी भी बैठा है? जाओ नारी को सम्मान दो। क्लास के बाद दे दूंगा सर। आज में क्या है? अरे मेरा तो मजबूरी है, मैं सैलरी लेता हूँ, बट यू आर फ्री, डेमोक्रेसी अलाउज यू टू चूज बिटवीन क्लास एंड कैंटीन। अरे वाई ऑलवेज गेट मैड एट मी यार, क्या सोच रहे होंगे बैनर्जी सर? तो मेरी सिचुएशन ही समझ रहे हो आकाश, सोते बैठते उठते जागते
दैट एक ही क्वेश्चन की ना रट लगाए हुए। फोटो का क्या हुआ, फोटो का क्या हुआ, फोटो। इसमें मैं क्या करूं यार? कुछ नहीं कर सकते ना, तो मेरी फोटो ही खींच दो, मैं जाके डैड को दे देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व। जाके ना अपने बाप को, आई मीन अपने डैड को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर लो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे ऐसा लगता क्यों नहीं? अब वो तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प इट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आकाश, तुम जब भी ये बात बोलते हो ना तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आता। तो क्या करूं, कॉलेज के टेरेस पे जाके चिल्लाऊं क्या? क्या कर रहे हो तुम? स्वीटी देसाई, आई लव यू। ओए लवबर्ड, क्या कर रहे हो? नीचे आओ। ओ रोमियो, धीरे बोलो तो प्रॉब्लम है, तेज बोलो तो प्रॉब्लम है यार, समझ नहीं आता, करो तो करो क्या यार। अच्छा ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर शादी से पहले तुम इतनी टेंशन लोगी ना, तो शादी हो ना हो शुगर और बीपी दोनों हो जाएंगी। स्टॉप। लो स्वीटी भी आ गई। डैड एक दो दिन में हो जाएगा। ओके आओ आओ। एक दो दिन में होगा क्या? हो गया। क्या हो गया? अरे कुआ खुद प्यासे के पास आ गया, इंटरनेशनल फोटोग्राफर है, स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई, कर्सी और अमित मामा। Met her in my dreams. She was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky. What is this? Give it to you later on in the form of a locket. Mom, क्या कर रहा है? तैयार तो होने दे उससे पहले। मैं हूँ ना। सॉल। तैयार तो हो जाने दे उससे पहले। Holy shit! ऐसे करो। अरे यार वो गमला लो ना। कमर पे रखो ऐसे। क्या यार तुमको कुछ नहीं आता है? लोकेशन चेंज थोड़ा सा, इस तरफ देखो, इस तरफ, नीचे। NRI सर्च करें? इसमें देर किस बात की, शुरू करो फटाफट। आमीन। हाँ हाँ, मजा आ रहा है सर। हाँ, अरे खामखा यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे दुल्हों को, इतने थोक बंद NRI भरे पड़े यहाँ कि मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि मैं किसको स्वीटी का प्रपोजल अपलोड करूं। कमलेश मेहता, दीपक पारेख। मोटा भाई जल्दी करो, मुहूर्त निकलने में एक ही मिनट रह गया है। जीजा जी 30 सेकंड तो ये खा गए, अभी 30 सेकंड ही बचे हैं। दो सेकंड बस। पांच, चार, हो गया हो गया। मुबारक हो बेन, मुबारक हो। अब देखना अपनी चौखट पे कैसे लाइन लगा के नाक रगड़ते हुए NRI लड़के खड़े रहेंगे। Hey guys, what's up? What's the plan? क्या हुआ, इतनी मनुष्य शक्ल क्यों बना रखी है यार? प्रिंसिपल मर गया क्या? इसका प्रोफाइल ऑनलाइन हो गया। अरे प्रोफाइल ऑनलाइन हो गया, सो व्हाट? उसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? हाँ नहीं 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 नहीं, बात तो है, बात तो है। यू शुड डू समथिंग आकाश, तू कुछ करता क्यों नहीं है? हाँ बाय। प्रोफाइल इसका, लैपटॉप इसके डैड का, वेबसाइट किसी और की, इसमें मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, तुम ना कुछ मत करो, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। गाइस, एक काम हो सकता है। स्वीटी, तुझे यूजर आईडी और पासवर्ड पता है ना? हाँ, तो तेरा फोन दे,
अब तू इसमें तेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल। अब सेटिंग्स में जा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर। अब तू मैन्युअली सारे मेल्स डिलीट कर सकती है। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ना ही कोई मेल्स आएंगे और ना ही तेरे पापा इस बारे में बात करेंगे। वाओ, रूमा, आई लव यू। देखो, इतना सिंपल आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। मेल्स भी आना शुरू हो गए। इतनी जल्दी? सब तुम्हारी तरह स्लो नहीं होते? अरे जब देखो लड़ाई करती रहती है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्या कहूँ तेरे बापू को मैं? हाँ नमस्ते सर। सर मेरा नाम आकाश पटेल है सर। वैसे तो ऑर्फन हूँ सर, लेकिन आपकी बेटी से तो बहुत प्यार करता हूँ सर। उससे शादी भी करना चाहता हूँ। प्लीज 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 मेरी उससे शादी करा दीजिए प्लीज सर। लात मार के तेरा बापू मुझे घर से बाहर फेंक देगा। अबे हट। और वो जो तेरा मोटा मामा है ना, भगवान ही जाने वो क्या करेगा। जीजा जी, जीजा जी, अरे उभर जीत गया मैं, जीत गया। अरे उभर गया। ए बाप थकी गयो जीजा जी। आज भी हराया तुम्हें क्या जीजा जी? यू ऑलवेज फर्स्ट। अरे बाप रे। जिगना स्वीटी उठी कि नहीं? अभी के टाइम में उसके उठने का करेक्ट। ओहो, आज बेन फिर से म्यूट मोड पे हैं। हाँ, जिगना मेरा लैपटॉप लेके आओ। जा। अभी लाती हूँ। देखता हूँ कोई रिप्लाई आया है या नहीं। अरे 101 टका जीजा जी, एक नहीं 10 रिप्लाई आए होंगे पक्का। अरे तेरे मुंह में स्प्लेंडा नहीं जलेबी फाफड़ा। खाना नहीं है मुझे। आ गया आ गया। आई होप लव 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 चिकना। यूजर नेम स्वीटी देसाई। पासवर्ड खोड़ियार मा। आप तो बोल रहे थे कि 10 रिप्लाई आएंगे। हाँ। एक भी नहीं आया है, है? देखो शू बात करो शू। अरे हाँ जीजा जी बेन, इसमें तो सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन आप मेरा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन एक रिप्लाई तो जरूर आएगा। हाँ सच्ची बोलता हूँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो बेन, खोलियार मात की। उसका मौन व्रत है। जय। क्या बात करते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजा जी। एकलौती लड़की, इतनी सुंदर, अमीर बाप, फिर भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। क्या समय आ गया है? समय सदैव एक सा नहीं रहता है बाली। आज तुम्हें जिस बल और शौर्य ने अहंकारी बना दिया है, कल तुम्हारे पतन का कारण होगा। माइंड योर लैंग्वेज सुग्रीव। अपने भ्राता से इस तरह बात करते हैं तो छुवानर। लॉल, यू आर द सेम काइंड। लॉल, ये ले, ले, लॉल। स्टॉप इट गाइस। अरे यार। व्हाट द हेल?
तुमने रिदिमी तुड़वा दिया क्यों? I can't take this anymore. रिहर्सल में फ्रेंड्स और फैमिली का बैठना कंपलसरी नहीं है, मत बैठो यहाँ. एक्सक्यूज मी, क्या यार पूरे शहर में ना कुत्तों की तरह भाग भाग कर सबको अंकल जी आंटी जी बोल बोल कर चंदा इकट्ठा किया इस प्ले के लिए. अरे दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, हर किसी के समझ में नहीं आती है. अरे इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू एरास, वेयर त्रेता युग मीट्स कलयुग. तू मेरे साथ आ भाई. देख बुरा मत मान, लेकिन ये वाला प्ले मुझे भी थोड़ा टिपिकल टाइप का लग रहा है यार. तू तो ऐसा मत बोल यार, तू मेरा भाई है. ऑफ कोर्स हूं यार, तभी तो हर बार तू हीरो का रोल करता है और मैं विलन का रोल करता हूं यार. लेकिन कब तक हम ये सब चीजें करते रहेंगे? कुछ आज का करते हैं, लेट्स डू समथिंग कंटेंपरेरी. जहां मुझे हीरो का रोल करने को मिले भाई. क्या हुआ? व्हाई आर यू लाफिंग? सॉरी टू से बट जो काम तुम लोग से होता नहीं वो करते क्यों हो? जस्ट गो एंड टेल योर गर्लफ्रेंड टू गूगल जॉन ट्रावोल्टा. जैसे ये आज बोल रही है ना, वैसे ही हॉलीवुड के कास्टिंग एजेंट ट्रावोल्टा को बोलते थे. पर आज देखो वो कहाँ पे और कल मैं कहाँ पे रहूंगा. मान लिया तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार. ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है. माने तब तक टेंशन लेना भी शुरू कर दिया होगा. हाँ चल चल चल. तुम लोग कहाँ आ रहे हो ये पूछ लेकर? बाय बाय. चल भाई भाग. अरे कब से तेरा फोन लगा रहे हैं? कहाँ थी तू? मुझे तो कोई फोन नहीं आया. तेरा फोन बंद है तो फोन कैसे आएगा? ओह शिट, ये कब बंद हुआ? अच्छा वो छोड़, सुन तुझे एक खुशखबरी सुनानी है. पता है इंटरनेट पे ना खोडियार माँ के आशीर्वाद से तेरे लिए एक रिश्ता आया है. क्या? हाँ तेरे पापा की बात भी हो गई है उनसे. अरे कल तुझे देखने आ रहे हैं. अब क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ. ये लड़की भी ना पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है. खैर छोड़ो, मुझे तो इतना सारा काम करना है कल के लिए. स्टूपिड फोन को मेरा आज ही खराब होना था. ओह गॉड, सारे कॉन्टैक्ट्स तो इसके साथ ही ऑफ हो गए. ओह शिट, आकाश को कैसे इन्फॉर्म करूं? माँ जल्दी से मेरे रूम में आ बेटा. माँ. हाँ बोल बेटा. ये अच्छी है. हाँ तेरे पे बिल्कुल अच्छी लगेगी, कल यही पहनना. हाँ फाइनल. माँ मुझे आपसे कुछ बात कहनी है. बोल ना बेटा, क्या कहना चाहती है? माँ मैं आका. वाह बहुत बढ़िया है, सारी तैयारियां हो गई. आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश. मैंने कब से ये सोचा था कि मेरी बेटी की शादी दुनिया के सबसे अच्छे एनआरआई से होगी. आज भगवान ने मेरी सुन ली. I'm so happy. डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ बोलो ना. अरे बाप बेटी में अकेले अकेले में बातें हो रही है. अरे सारी मेहनत मामा ने की, उसे ही भूल गए? नहीं नहीं अमित. खुश हो स्वीटूडी. बस भगवान करे कल अपनी बात बन जाए. हाँ आइए आइए आइए. मैं बोल रहा हूँ ना. आइए आइए. हाँ हाँ. नमस्ते नमस्ते. आइए आइए. नमस्ते नमस्ते. आइए आओ आओ बेटा आओ. गुड गुड. सीट सीट. हाय, आई एम अभिषेक मेहता. माय डैड अजय मेहता एंड माय मॉम सलोनी मेहता. व्हाट लंदन यू डू इज? उनका कहने का मतलब है आप लंदन में क्या करते हैं? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अच्छा. ओह गुड गुड नाइस. व्हाट पगार सैलरी लंदन यू इज गेट? अबे ना अंग्रेजी में बात मत करो, लड़का भाग जाएगा. सॉरी. आप भी लंदन में ही रहते हैं हा? इनके साथ? नहीं सर, मैं जबरदस्ती का उसके साथ गया था. हाँ. लेकिन एक बात बोलू, अपना गुजरात बेस्ट है. हाँ हाँ हो. मेरे जीजा जी वो भी कई सालों पहले लंदन गए थे. हाँ क्यों, आपको भी वहाँ पर नहीं मजा आया क्या? नहीं नहीं मजा तो बहुत आया मजा. लेकिन परशु पर मैं बताता हूँ. दरअसल बात ये हुई कि जीजा जी लंदन गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने गोरे से पूछा कि आशा हॉल का पता कहाँ पर है.
तब इनकी कम नसीबी की वो गोरा पुलिस वाला निकला, तो उन्होंने ऐसा समझा कि ये अंग्रेजी में उनको गाली दे रहे। समझ गए, लोग समझ गए। तो क्या है फिर, मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया था इसलिए मैं वापस आ गया। तभी से जीजा जी ने डिसाइड कर लिया कि उनका जो जमाई होगा वो तो एनआरआई ही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, पर एक बात बोलू, अपना गुजरात बेस्ट है। हे माँ, लड़की की माँ गूंगी है क्या? नहीं नहीं, आज उनका मौन व्रत है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी सेहत के लिए हफ्ते में एक बार उनको चुप रहना पड़ेगा। ये पूछ रही थी कि स्वीटी क्यों नहीं आई, मैंने कहा अभी आ रही है। अच्छा, ये लो आ गई। हाँ। स्वीटी। ओ। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। मैं एक बात बोलूं, अपना गुजरात बेस्ट है। अच्छा, आपने लड़के को देख लिया, हमने लड़की को देख लिया। हाँ। अब मेरे हिसाब से लड़के और लड़की को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अब एक दूसरे के साथ अगर जिंदगी बितानी हो आपको तो बात तो करनी पड़ेगी है। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ बात करो। मैं एक बात बोलूं, गुजरात सबसे बेस्ट है। लोई पियो। फीलिंग नर्वस ना? नो, आई एम नॉट नर्वस। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोलो ना। तुम इस शादी के लिए मना कर दो। व्हाट? एक्चुअली मेरा अफेयर ना किसी और के साथ चल रहा है। तो ये बात तुम्हें अपने पेरेंट्स को पहले बतानी चाहिए थी। आई नो, मैंने ट्राई तो बहुत किया बट कह ही नहीं पाई, इसलिए तुम मना कर दो। कह दो मुझे लड़की पसंद नहीं है, कह दो। मैं क्यों मना करूं? क्योंकि मेरा उस लड़के के साथ ना सब कुछ हो चुका है। सब कुछ? सब कुछ मतलब सब कुछ। What's the big deal in that? प्यार में तो ये सब होता रहता है, और इन सब छोटी मोटी बातों के लिए मैं ना नहीं कहने वाला। मतलब तुम ना नहीं करोगे? नहीं। प्लीज 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 मना कर दो प्लीज, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। कमीने से रिक्वेस्ट तो बहुत की, पर देखो अब क्या होता है, वो साला मानने को ही तैयार नहीं, इडियट। अरे डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? तुम ना बस ये फालतू की बातें करते रहते हो। सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? सही होने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अरे तो मैं क्या करूं? जब देखो तुम और तुम्हारी फैमिली कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। बोला ना 2 महीने के बाद बात कर लूंगा, एग्जाम खत्म हो जाने दो, पर तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। क्या टाइम मशीन लेके आऊं क्या? टाइम मशीन से भी ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सब के लिए मशीन की नहीं हिम्मत चाहिए होगी, जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास नहीं है। इनफ स्वीटी देसाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता। राइट, गुड, यही हुई थी मुझे तुमसे। अच्छा कि अपना असली रंग पहले दिखा। एक काम करते ना आकाश पटेल, ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेते हैं, ना रहेगा प्यार और ना होगी टेंशन। सीरियसली यार, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। That's why I believe in being single because of this. Me too. And by the way, ये लो अपनी सड़ी सी 18 कैरेट की 2000 रुपए की रिंग, इसे बेचकर ना बॉर्नविटा जरूर खरीद लेना, क्योंकि शायद उसे पीने से थोड़ी हिम्मत आ जाए। क्या
नहीं नहीं मैं टेंशन नहीं लूंगी। हाँ हाँ ओके मामा, आई प्रॉमिस मैं ट्राई करती हूँ जल्दी आने की। ओके ओके बाय। गाइस एक सैड न्यूज है। अब क्या हुआ? लड़की ने नाम बोल दी। व्हाट? ओह माय गॉड, यस चाहता हूँ, दुआ में मांगता हूँ, रातों को जागता हूँ, मैं तेरे ही लिए आँखों से बह रहा हूँ, बिन बोले कह रहा हूँ, हर गम को सह रहा हूँ, मैं तेरे ही लिए तुझ बिन अधूरा अधूरा सा लगूं, खुद को आ तुझसे मुकम्मल मैं करूं। चाहिए मुझको तू चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ तू चाहिए। वो रात की दीवार हो या सुबह का उजला दर, इस पार से उस पार तक मुझे आए तू नजर। वो रात की दीवार हो या सुबह का उजला दर, इस पार से उस पार तक मुझे आए तू नजर। तू आसमां से जमीन तक, तू गुमान से है यकीन तक, तुझ बिन अधूरा अधूरा सा लगूं, खुद को आ तुझसे मुकम्मल मैं करूं। चाहिए मुझको तू चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ तू चाहिए। स्वीडी, किधर थे बेटा? इतनी देर क्यों हो गई? डैड वो मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई थी, बताया था मॉम को। अच्छा तो कोई बात नहीं, घूमो घूमो, घूमने फिरने के दिन है तुम्हारे। और आप इतनी रात में क्या कर रहे? बस यूं ही। बस यूं ही या लड़का ढूंढ रहे? अच्छा डैड ये बताइए, आप मुझे भगाना क्यों चाहते? मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता बेटा, लेकिन दुनिया के हर बाप की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी दुनिया के सबसे अच्छे लड़के के साथ हो। हो जाएगी डैड, इतनी भी क्या जल्दी मुझे घर से भगाने की? अब तक तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पता है तुम इतनी सी थी जब से मैं तुम्हारी शादी का सपना देख रहा हूं। डैड अरे क्या बात है, बाप बेटे की प्राइवेट बातें चल रही हैं। हाँ हाँ जसू भाई लंदन से। हाँ बोलिए जसू भाई। अरे नहीं नहीं भैया, उसमें अब सॉरी क्या कहना, भूल जाइए जो बात गई सो। हाँ हो गई, अभी क्या करेंगे।
रिश्ता? लेकिन जसू भाई आपका बेटा तो भाग गया ना, तो अब... अच्छा आपका भतीजा है? नाम अच्छा, नाम क्या है? नाम रसिकलाल। रसिकलाल क्या करता क्या है वो? नो सेंट्रल लंदन में अचार की दुकान है। वेल सेटल्ड है लड़का। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, अरे पूछ रहा क्या? ओके ओके, अरे मिल गया है ना रे दूल्हा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अरे बधाई हो। क्यों ना हम रसिकलाल को एयरपोर्ट से किडनैप कर लेते हैं? क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? नो बट आई एम सीरियस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, किडनैप कर लेते हैं ना। भैया यहाँ क्या लिखूं? दो मिनट रुक जा मेरे बाप, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तू दूसरी लेके आ जाता है। अरे तो क्या मैं क्रिएट कर रही हूँ प्रॉब्लम? उसमें भी कोई शक है क्या? इधर आ बेटा। रायता हद से ज्यादा फैल चुका है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। वो क्या? इधर आओ। नहीं 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 नहीं, पागल होगी क्या? अगर पकड़े गए तो? अरे क्या बोला, मुझे भी तो बता। रात तक वेट करो, अपने आप पता चल जाएगा। क्या हुआ, पार्टी है रात को, बताओ मुझे भी। इतनी रात गए, किसका मैसेज आया? प्रमोशनल मेल है डैड। ये मार्केटिंग वाले है ना, कभी सोते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पागल। यस। क्या हो गया? सेल है, सीक्वेंस में सेल लगी है बहुत बड़ी कपड़ों की। ठीक है चली जाना। आई लव यू डैड। इसको क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। फल तो खा लो। यस यस यस। अरे अंदर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लैपटॉप नहीं देखता। हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण जसू भाई, हाँ शू बात करो छो? अच्छा अरे आइए आइए, हाँ हाँ आइए। क्या हुआ? अरे पूछो मत, जसू भाई आ रहे हैं रसिकलाल के साथ अगले हफ्ते सगाई के लिए। मजा आ गया, मजा आ गया। लव 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 लव। You dust, papi, just leave me alone, you rascal. लंकेश्वर से टकराने की मूर्खता मत कर, अन्यथा मैं तेरा अपहरण कर लूंगा। अपहरण माय फुट? मेरे घर आने की तो हिम्मत है नहीं, और डायलॉग्स इतने बड़े बड़े। तू फिर से आ गई? क्यों, ये एम्पीथिएटर तेरे बाप की जागीर है, तो यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता? बैकअप,
क्या हुआ? तुम्हारे पप्पा को भेजा हुआ मेरा प्रोफाइल पसंद नहीं आया क्या? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? शर्म? शर्म क्यों आएगी? हुआ क्या है यार अब? जस्सू भाई वहां रसिकलाल के साथ फ्लाइट की टिकट बुक कर चुका है और तुम पूछ रहे हो हुआ ही क्या है? तो बात अब यहां तक पहुंच गई, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ये देखो ना, ना ये सारू नथी नहीं। अच्छा मिल गया, मिल गया, मिल गया। हेलो कौन? अंकल मैं रसू बोल रही हूँ। रसू? ओहो रसू, रसिक लाल। ओहो रसिक बेटे। अच्छा अच्छा कैसे हो बेटे? बस जब हार्ट ऑन फायर हो तो सब ठीक नहीं होता है अंकल। क्या एसिडिटी हो गई है क्या? एसिडिटी नहीं अंकल, मेरे दिल के अरमानों पर और खुशियों पर एसिड अटैक हुआ है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? नहीं अंकल, सब कुछ ठीक नहीं है। आप और जस्सू अंकल मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन हमने क्या किया अंकल? आपने और जस्सू अंकल ने मिलकर मेरी खुशियों का गला घोट दिया है। है? मुझे पत्नी नहीं पति चाहिए। एक साड़ी और एक चुटकी सिंदूर से मैं पूरी जिंदगी काट लूंगी। पर वह कुछ नहीं अंकल, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और हाँ अगर आपने ये बात जस्सू अंकल से कही ना तो मैं थेम्स नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। हे कुड़ी आत्मा, क्या हुआ फिर से आपको? चिकना मुझे वचन दो, मेरे मरने के बाद तुम स्वीटी की शादी किसी एनआरए लड़के से ही करोगी। हाँ हाँ मैं वादा करती हूँ। लेकिन ख्याल रखना ऐसा ना हो कि हम लड़के को सलून में ढूंढते रहे और वो ब्यूटी पार्लर से निकले। जीजा जी, अरे जीजा जी, ये गैस की बीमारी को आप हल्के में मत लीजिए वरना भारी पड़ जाएगा। बीमारी बीमारी कुछ नहीं, ये टेंशन की वजह से हो रहा है मुझे। तो टेंशन मत लीजिए ना, डीके लैपटॉप लाओ और जीजा जी को दिखाओ। नहीं ये मनहूस चीज मुझे मत दिखाना, तुम ही देखो। ला मुझे दे। जीजा जी यूजर नेम और पासवर्ड तो बताओ। स्वीटी देसाई और पासवर्ड खोड़ियार मार डाल दो। जीजा जी कमाल का लड़का है। दिखाओ दिखाओ। अरे मुझे भी दिखाओ। छोकरो तो सारू छे। आकाश पटेल बात चला है? बिल्कुल जीजा जी। ये क्या है यार, ये D&D करने का फायदा क्या है यार? सब देखो स्कीम बेचते रहते हैं। अबे ला मैं बताता हूँ इससे यार। हेलो जी 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 या जी 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 दे आर योर ओनली। मैं लेके आऊं? हो गया समझिए। या जी जी गॉश डू यू नो हु आई वाज टॉकिंग टू? जॉन ट्रेवोल्टा। इसके बाप भुला भाई से। व्हाट? या आर यू सीरियस? या डैड ने प्रोफाइल देख ली। वाओ आकाश हमारा मैच जीत गया। ओह माय गॉड। प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड स्वीटी। रुको। ओए 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 पहले पूरी बात तो बता, हुई क्या? अरे तेरे सामने हुई थी यार, पूरी दुनिया ने सुनी है। हां अरे क्या घंटा सुनी है पूरी बात। जी
जी जी जी जी जी जी हाँ जी। अबे इसके आगे कुछ बोलेगा तो समझ आएगा ना मुझे। नहीं नहीं, दो बातें और बोली थी। एक तो दे हियर ओनली, और दूसरी मैं लेकर आता हूँ। He asked me कि मम एंड डैड है, तो मैंने कहा दे हियर ओनली, और फिर उन्होंने पूछा कि कल लेके आओगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। साले वैसे ही टाइम बम लेकर घूम रहा था, उस पर टाइमर भी लगा दिया। साला मेरी कुंडली पे राहु बनकर बैठा है यार, अब माँ बाप कहाँ से लाऊं? ना 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 ना, इम्पॉसिबल होबे ना प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। अरे बाबा रे, तुम लोग बुझता नहीं है, यू ऑल एब्सोल्युटली रॉन्ग आइडिया। यदि हम पकड़ा गया तो पुलिस मार मार के हमको बंदर बना देगा। एक्चुअली तुम लोग का जो बेसिक है ना, उसी में प्रॉब्लम है। क्यों सर? अरे मिसकास्टिंग सर, एक बंगाली को तुम गुजराती फादर बनाएगा कैसा चलेगा हैं? बुबा, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मिसकास्टिंग नहीं होती। अरे सो नथिंग डूइंग, बाकी सारे बातें बंद, मैं मम्मी और तुम पापा बन गए हो बस। थैंक यू सर। एक मिनट, आओ इधर। चलो फैमिली तो बन गया। बोलो कभी जाने का है? कल। ओके बाबा रे, कल। बारे हो, बारे हो। जीजा जी, हाँ। अभी गया। आइए 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 आइए। मैं बोल रहा हूँ ना, आइए आइए आइए। नमस्ते। मैं भुला भाई देसाई, नमस्ते। मेरी पत्नी है जिग्ना देसाई। नमस्ते। और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, ये मेरे साले साहब हैं, जिग्ना के भाई। नमस्ते। How do you do? I always do to you. शाह अमित अमर चेक तो मिलते, उस पे तो आपका नाम लिखा है। बैठिए 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 ना, सीट बैठो, मामा के साथ इधर बैठो। कार्ड नाइस टीट वाइट कार्ड, खाइए खाइए। अरे ये ढोकला, इट्स अ गैस चैम्बर, ये धनाधन डुपांग, हमारे यहाँ का डुपांग। चोर 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 चोर, वेरीज 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 चीज। बीके क्या लगा रखा है, आए हुए घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक? सर सर, मैंने इसे अमित सर की जेब से पैसे निकालते हुए देख लिया। क्या पैसे? टेंशन नॉट टेक, आई पुट नो मनी इन माय पॉकेट इज द यू चिल। जा यू चिल। तो आप लोग फॉरेन में कब से रह रहे हैं? आज से। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि आज से बहुत साल पहले जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, तो इनके दादा ने सोचा कि अंग्रेजों के घर में घुसकर उनको मारेंगे, इसलिए पूरी फैमिली को लेकर ब्रिटेन चले गए, है ना? शुरुआत करो छो, मतलब फोर्थ जनरेशन है ना रहे आप? वाह वाह वाह। तो इंडिया में कब तक है आप? बस एग्जाम तक तो रुकना ही पड़ेगा हमको। एग्जाम तक? ब्लड का? ब्लड का? वो ब्लड रिपोर्ट का एग्जामिनेशन है। हाँ। इनका? हाँ? मेरा रिपोर्ट क्यों? बेचारे, इनको तो ये तक नहीं पता कि इनको क्या बीमारी और किस चीज की ब्लड रिपोर्ट का एग्जामिनेशन। हाँ। आना है। भगवान किसी को ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस ना दे। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू डू इन यूके इन द? जर्नलिस्ट हूँ। वाह वाकई पढ़ा लिखा लगता है लड़का, आपकी अंग्रेजी भी समझ गया। लो स्वीटी भी आ गई। यह है हमारी बेटी स्वीटी, और स्वीटी यह है आकाश पटेल। नमस्ते। उनके पापा मम्मी। नमस्ते। और वो उनके छोटे भाई हैं प्रकाश। Hey, स्वीटी, तुम रोज से भी बहुत सुंदर दिखती हो। मतलब आप पहले मिले हो उसे? नहीं 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 नहीं,
इनका कहने का मतलब ये है कि स्वीटी जो है वो गुलाब जैसी, रोज जैसी सुंदर लग रही है। रोज। अच्छा, आपका बेटा भी कोई कम नहीं है रोज से। थैंक यू। भाई हमें तो लड़का पसंद है। तो बात पक्की समझे? हाँ हाँ पक्की। बाईडी खाना नहीं देती है क्या? देती है ना साहब। तो भी तेज चला रे भाई। हाँ हाँ साहब। यार तू भी। बोला भाई। आइए। ड्राइवर टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गया था ना? अरे वेलकम वेलकम। अरे क्या ये बोला भाई? ऐसे थोड़ी होता है। अभी वेलकम वेलकम। Who the is? ये मेरा भतीजा है। अच्छा। रसिकलाल। अरे बोला भाई देखो कैसे रो रो कर आंखें फुला लिए इसने। संभालो संभालो। क्या हुआ अंकल? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
क्या है कि आपने रिश्ते की बात हमसे की और शादी कहीं और तय कर दी। अगर बाबूजी आपने मुझे ठुकरा दिया तो ये जालिम दुनिया ताने दे देकर मुझे मार डालेगी, फिर कौन अपनाएगा इस अभागे को, कहाँ जाऊंगा मैं बाबूजी। बेटा बहुत ज्यादा हो गया। अरे ऐसे नहीं होता है, हमारी भी कोई इज्जत है भाई। नहीं नहीं जसू भाई, वो क्या है कि मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि ये रसिकलाल है तो वो फोन पे कौन था? फोन? हाँ, उसने फोन पे मुझसे कहा कि उसे पत्नी की नहीं पति की जरूरत है। पति? अरे अभी कौन सी पार्टी आ गई? पता नहीं। देखो बुला भाई, हमारे जो दुश्मन है ने वो नहीं चाहते हैं कि स्वीटी की शादी हमारे परिवार में हो जाए। क्या है कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान है। डोंट टेक द टेंशंस, आई द गेमर कैचेस। क्या बोला? कुछ तो बोला। ए? क्या गया छोरो? लो मजा कर ही रहे हो भाई है? ये ससरीना कौन है? अरे इधर देख, कौन है? इतना पैसा खर्चा करके तेरे को क्या यहाँ आराम करने के लिए लाया हूँ? चल बाहर निकल। चला क्या कर रहा है? अबे ए फिर से सो गया तू? सो नहीं रहा हूँ बड़ी। तो सोच रहा हूँ मैं। क्या क्या सोच रहा है? यही कि तू कितना कमीना आदमी है। क्यों? या शादी के बाद तू तो बन जाएगा मल्टी बिलियनर और मुझे क्या मिलेगा? घुइया 10,000 pounds बस, सिर्फ ओनली। अबे शुक्र मना कि तेरे जैसे लेजी आदमी को ने 10,000 pounds दे रहा हूं मैं। बड़े शुक्र तो तुझे मनाना चाहिए मेरा, जो मैं तेरा भतीजा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, समझा ना? ये चुप रहे, चुप रहे, चुप कर। फिर से अपने मुंह से ये भतीजा बनने वाली बात निकाली ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना तू? ठीक है नहीं बोलूंगा। तू बड़ी टेंशन बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन एक बात ना, तू भी अपने दिमाग में सेट कर ले। क्या? तू और मैं एक फ्रॉड है। वो तो देख सिचुएशन ऐसी है कि तू मेरा चाचा बना है और मैं तेरा भतीजा बना, लेकिन ये मत भूल कि चीटिंग करने के मामले में मैं तेरा बाप हूं। रास्कल। ए क्या बोला तू? क्या 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 बोला तू? रास्कल? हाँ। क्या नाम दिया यार तूने रास्कल? ये नाम हुआ ना मेरी पर्सनालिटी पे सूट, रास्कल। ये क्या रसिक लाल नाम दे दिया था? बुड्ढो वाला रसिक लाल है ये। चुप करने चुप करने। तो टेंशन है कि फोन किसने किया था, ऊपर से तेरा ड्रामा। समझ में नहीं आता है कि इस बूढ़े को पटाने के लिए और क्या क्या ड्रामे करने पड़ेंगे। बोला भाई क्वीन जो है ने उसके साथ में अपना रोज उठना बैठना है, बकिंगम पैलेस में आता जाता हूं भाई, क्या है ने? मैं तो बोलता हूँ शादी के लिए हाँ बोल दो तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ना शादी के बाद भाभी जी को लेके यूके में शिफ्ट हो जाओ। But he blacklisted is the क्या बोला ये? मैं बताता हूँ। बस। Sorry। नहीं नहीं बुला भाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं बोलूँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना, उसमें मेरी बहुत पहचान है। अरे एक चुटकी में ने आपके ब्लैकलिस्टेड नाम को ने व्हाइट लिस्टेड में शिफ्ट कर देंगे। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? लो स्वीटी आ गई। अरे आओ बेटा, आजा बेटा आजा। बेटा जसो भाई को तो मिल ही चुकी हो। है? ये उनके भतीजे हैं रसिकलाल मेहता। हेलो। हाय। सो स्टिल स्टडिंग? या फाइनल ईयर। व्हाट यू स्टडी इज द? अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वाओ हार्वर्ड? हाँ जी जी, वहाँ से तो मार्क ज़करबर्ग भी पढ़ा है ना? पढ़ा है। मेरा सीनियर ही था, बहुत अच्छा लड़का था अंकल। जब भी टेंशन में होता था मेरे पास ही आता था। एक दिन मेरे पास आया और बोला रैस बहुत परेशान हूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर का क्या होगा।
स्वीटी जी पूछ लिया मैंने उससे, तेरे पास क्या पेन ड्राइव है? उसने कहा है। फिर क्या था आंटी जी, अपना प्रोजेक्ट उठाकर उसे दे दिया। बहुत बड़ा दिल है इसका भाई। और स्वीटी जी आज आज जब मैं उसे इस पोजीशन पे देखता हूँ ना, देखता हूँ कि मतलब लड़का सेट हो गया, तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है अंकल जी। अपनी वजह से किसी के घर में ब्रेड बटर आ जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। परफेक्ट। आई थिंक अब मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए, कल सुबह मेरा कॉलेज है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बेटा अलार्म लगा ले। हाँ मम्मा, डोंट वरी। बाय। उसने मार्क ज़करबर्ग को आईडिया दिया। अबे सबसे बड़ी ऐसी इस बात की है कि कोई इतनी कैसे फेंक सकता है। और वो फेंक सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो फेंक फेंक कर डैड को पटा न ले। मतलब ये इसके पहले डैड का माइंड चेंज हो हमें कुछ कर लेना चाहिए। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Of course। तुम्हें मेरे घर वालों ने पसंद किया है? हाँ, पसंद तो किया है। तो जो काम बाद में करना है वो अभी क्यों नहीं? करेक्ट। ओह ओह पागल हो गई हो क्या? अरे जब देखो शादी शादी शादी, मेरी हालत देख क्या हो रही है तेरे शादी के चक्कर में। बोला ना एग्जाम्स के बाद शादी करूंगा। हाँ मुझे सूझ रही है शादी की। और तुम्हें पता है जो बात मैं एक बार सोच लेती हूँ ना वो मैं करके ही रहती हूँ। सर प्लीज सर, वरना डैड मेरी शादी उस रसिक लाल से करा देंगे। सो व्हाट कैन आई डू सर? सर प्लीज सर मान जाइए ना, इनका प्यार वो जेन्युइन वाला प्यार है सर। प्लीज हेल्प कर दीजिए सर। आई सेकंड रूमा। आई थर्ड रूमा। सर आई विल किल रूमा। व्हाई सर? अरे मंगनी तक तो ठीक था बट आकाश फेक प्रोफाइल बना के शादी करो ना। नो 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 एंड अबव ऑल दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बुब्बा हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रिमाइंड यू? Everything is fair in love and war, right? But this is not love. It's only war. भगवान ने हमें माँ बाप बनने का मौका नहीं दिया। बुबा ये बच्चे हमें दे रहे हैं। Let's take the chance. फिर शायद मौका मिले ना मिले। शुक्र है सनी राहुल, नहीं थोड़ा ये सही है। हाँ क्या बात है, एक गुण मिल जाता तो राम सीता की जोड़ी बन जाती। और अगर वो एक गुण भी मिल जाए तो हैं? क्या बात है क्या बात है, इधर तो दूसरी पार्टी भी बैठी है। नमस्ते जी। अरे पंडित जी बैठो ना, अपने ही घर है, बैठो बैठो बैठो। जी जी बेटा बैठ बैठ। पंडित जी बताओ ना वो सारे गुनगुन के बारे में। यजमान मैंने दोनों की कुंडली देखी है। देखो अगर कन्या का यहाँ विवाह हो जाए तो समझो कन्या का राजयोग है। क्या बात है। तो पंडित जी इसमें कौन सी नई बात बताई आपने, उसका तो चाइल्डहुड से राजयोग चल रहा है। मैं तो कुंडली देख कर बता रहा हूँ। सुनो कुंडली के अनुसार इस महीने की 20 तारीख कन्या के विवाह के लिए अति शुभ है। वाह। और उसके बाद स्वीटी की कुंडली में अगले 5 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। देखो आपका पंडित बोल रहा है, सुनो वाणी इनकी सुनो। हाँ बोल दो, मैं तो बोल रहा हूँ। 36 के 36 गुण मिल रहे बोला भाई, सोचो मत। हाँ बोल दो। अरे 36 गुण बार बार नहीं मिलते बोला भाई। हाँ बोलो हाँ बोलो है? हाँ बोलो हाँ बोलो। अरे बेटी बहुत खुश रहेगी आपकी, सोचो मत सोचो मत। हाँ मंजूर है। हाँ हाँ हाँ। अरे मुबारक हो मुबारक हो। अरे फाइनली समझी बन गए। ये गधेड़ा ट्रैफिक पुलिस की तरह क्या खड़ा है इधर पे? अरे पैर छू ससुर के। अरे वर्ण नीचे झुकने। सासू के भी छू, सासू के भी छू। अरे हाँ नहीं 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 पीछे जा, इमोशनल मत हो जा बेटा। खुशी सहन नहीं हो रही है, फाइनली हाँ हो गया ना। जब आप भी हमारे साथ लंदन शिफ्ट हो जाइए। हाँ बेटा
मेरी यही इच्छा है। वैसे माँ मुझे पता है आप बोल नहीं सकती, पर सुन तो सकती हो ना। हम इन लोगों को जबान दे चुके हैं, हाँ बहुत बड़ा है, और अब इन लोगों ने तो पापा को गुमराह ही कर दिया है। अब देसाई परिवार की इज्जत अब आपके हाथ में है माँ, इसे बचा लो प्लीज माँ, प्लीज बचा लो, आपको मेरी कसम। ना जल्दी सूटते अपने को करना जी, अब जैसे आप बड़े लोग कहेंगे। हाँ। क्यों रुक जा बेटा। बेन मौन व्रत तोड़ डाला चिकना? अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ इस लड़के से होगी। वाह 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 वाह, पिछले 30 सालों में पहली बार मेरी पत्नी ने अपना मौन व्रत तोड़ा है। ये आवाज उसकी नहीं है, ये तो साक्षात खोड़ियार माँ बोल रही है तुम्हारे मुँह से। चिकना शसु भाई, देवी माँ की आज्ञा के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं रिश्ता नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। अरे भुला भाई, अब तो हम संभी होने वाले हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट अंकल, ये क्या मजाक हो रहा है? क्यों आप हर बार हमारी इंसल्ट कर देते हैं? नहीं, उस दिन भी आपने नहीं नहीं अंकल बस बहुत हो गया, कोई शादी कुछ नहीं सुनना मुझे चाचा, कुछ नहीं सुनना, कोई शादी नहीं करनी, चलिए चलिए आप यहाँ से मेरे साथ। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जो पंडित गया है उसने जैसे कहा था वैसे ही हम 20 तारीख को शादी संपन्न कर ले। आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? At all, बिल्कुल done। क्या कर रहे हो सर, मरवाओगे? 20 तारीख को लास्ट पेपर है। 20 तारीख को पेपर, सुबह दोपहर को तेरी शादी होगी। बेटा जीवता कल्चर बॉय है, कल्चर बॉय। जिंदगी की यही रीत है मेरे बड़ा। मजा ले रहा है, इधर तो सब खत्म हो गया। अरे मेरे जैज। अरे जैज क्या, कैसा चीटर है तू, इतनी जल्दी हार मान गया? ए रुक रुक रुक, हिचकोला खा रहा है ने? तो रुक, पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तू मजे ले रहा है, तुझे क्या मालूम? जैज बड़ाऊ, जहाँ हम दोनों जैसे चीटर हो ना, वहां सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, नहीं समझा? नहीं। जहां तक मेरा शैतानी दिमाग कह रहा है उस दूल्हे में कुछ तो झोल है। कैसे कह सकता तू? मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहां का दूल्हा एकदम चौड़ा होकर बैठता है। लेकिन तूने उसको देखा था, वो कैसा घबराया घबराया सा था, एक एनआरआई दूल्हा, वो भी इतना घबराया हुआ सा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। छोरी ने साथ लव का एंगल हो गया, अच्छा खासा सिंगल था क्यों मिंगल हो गया। छोरी ने साथ लव का एंगल हो गया, अच्छा खासा सिंगल था क्यों मिंगल हो गया। सैया ओ सैया राजा बन के आ रहा रे, आना तो आना मोहे लेके जला रे। सैया ओ सैया राजा बन के आ रहा रे, आना तो आना मोहे लेके जला रे। सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है, हाय मेरे रब्बा मेरी बैटिंग होने वाली है। सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है, हाय मेरे रब्बा मेरी बैटिंग होने वाली है। सुन लो नर और नारी, ये जन्म हित में जारी, ये दिल का लगाना बीमारी है। The end है ये wedding, torture never ending है, सबसे सुखी जो ब्रह्मचारी है। सैया ओ सैया राजा बन के आ रहा रे, आना तो आना मोहे लेके जरा रे। सैया ओ सैया राजा बन के आ रहा रे, आना तो आना मोहे लेके जरा रे। सातों जन्म की अब तो स्ले
मैरिजिंग होने वाली है। हाय मेरे रब्बा इसकी वेडिंग होने वाली है। सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है। हाय मेरे रब्बा इसकी वेडिंग होने वाली है। सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है। हाय मेरे रब्बा मेरी वेडिंग होने वाली है। सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है। हाय मेरे रब्बा मेरी वेडिंग होने वाली है। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आप क्या लेंगे? हाँ। नहीं 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 कुछ नहीं थैंक्स। तो आप लीजिए। हाँ। नहीं हमको डायबिटीज है। हाँ लीजिए सर। पापा पापा खा लीजिए, इतना प्यार से खिला रहे हैं। एक लड्डू में क्या जाएगा आपका, खा लीजिए। ठीक है। हेलो ठुसो। ओ पटेल भाई मुबारक। थैंक यू। आपके बेटे की शादी होने वाली है, है? मुबारक बेटा। ए बेटा जी चाचा मुबारकबादी देने। मैं अंकल से बहुत नाराज। अच्छा लो। बहुत 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 नाराज हूँ अंकल से। क्यों क्यों? वेरी बैड, वेरी 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 बैड। मतलब एक लड़के की शादी कर रहे हो, दूसरे को बुलाया नहीं। दूसरा कौन? अरे मैं बताता हूँ। अरे बताता क्या, दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखा दे बेटा। ये देखो, इधर देखो। ये देखो, ये देखो। दूसरा जो हॉस्टल में रहता है, खुद को NRI बताता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो खड़े देखो, देखो पटेल भाई कैसा दिखता है। अरे कमिश्नर साहब आ गए। ये लो मुबारक हो, मुबारक हो। आई एम फादर। मुबारक हो, वेरी गुड वेरी गुड। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। खाइए वाइए हैं मजे से। तमे केम छो शरद भाई? जब बस पालो ना, अभी तो पुलिस के डंडे भी ना पड़े तो भी भला ना। ओए तुझे जो बात करनी है मुझसे कर, इन सबको बीच में मत ला। ये मेरी बात सुन, ये जो कपड़ा पहना है ने उसको निकाल और निकल जाए यहाँ से। अगर किसी को पता चला ने कि दूल्हा बदल गया है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। अब दूल्हा बदल के दिखा। सर लड़बो मारबो। मुहूर्त 5 साल के बाद आया है तो ये अगर शुभ है तो अशुभ क्या होता है? पीछा करो चोर। अबे ये क्या हो रहा है? ये देख इतनी भागम भाग हो रही है और ये यहाँ पे सो रहे हैं। यहाँ बैंकेट हॉल में दंगा भड़क उठा है, कमिश्नर साहब की भी। जल्दी से पुलिस फोर्स भेजो। हाँ साले, शरीफ लोगों को लड्डू खिलाता है तू। हाँ साले, हाँ हाँ साले, हाँ हाँ। अरे चल पागल हो गया क्या? मेरी शादी है। अरे शादी है नहीं, शादी थी। भैया पासपोर्ट मिल गया। अरे मेरे छोटू मेरे यार, चलो चलो। अरे बुबा सर,
नहीं जाऊंगा यार। सर उठाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? उठाओ इससे। अबे स्वीटी क्या सोचेगी? अरे बाद में माफी मांग लेना, जान है तो जहान है। जीजा जी दोनों भागी गए। आकाश आया क्या? आया क्या इधर? नहीं नहीं सर। ये नंबर रखो और वो जैसे ही है फौरन कॉल करो। ध्यान रखना इधर आते जाते रहना। चलो मैं नहीं नहीं अभी गिल्टी फील करना बंद कर। और इससे पहले कि पुलिस हमारी चमड़ी उखाड़ दे, कुछ दिन के लिए चमन भाई के पास बॉम्बे भाग चलते। हाँ हाँ अरे जब मामला शांत हो जाए ना तब वापस आके स्वीटी से माफी मांग लेना। और अगर माफ कर दिया तो शादी भी कर लेना। Stop this nonsense, damn it! जाने कैसी मेस में डाल दिया मैंने स्वीटी को। Wait, please, excuse me, please. बॉम्बे जाना है, please. कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूँ आँखों में मैं खोलूँ पल के ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ आदि खाने तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर आदि लाने तू मुझको बसेरा मेरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से डर लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से डर लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, को डर लगता है। प्यार से डर लगता है, बहुत डर लगता है। ए, क्यों रो रहा है? ला लो इसको, लाओ खड़ा हो, चल चल। अरे बाबा रे, माथा घुटता है, चक्कर आ रहा है,
ग्रीन टी मिलेगा साहेब, इसी ने कमिश्नर साहब के पिछवाड़े में कांटा घुसाया था। अच्छा, फिर तो इसकी सेवा चीफ गेस्ट की तरह करनी पड़ेगी। अब बता, लड़कों को कहाँ छुपा रखा है? चाप है, कीमा है, भेजा है, गुर्दा है, नल्ली है, पाया है, क्या लोगे भाई? एक प्लेट गुर्दा, हाफ प्लेट भेजा। भाई का गुर्दा और अंकल का आधा भेजा निकाल। बोलो भाई क्या लाऊं? चाप है, नल्ली है, पाया है, गुर्दा है, कीमा है, भेजा। ए तू सांस तो ले। हाँ बोलो। सोचने तो दे। एक काम कर, मेरे लिए दो चाप, दो नल्ली। दो नल्ली। और इनको पूछ क्या चाहिए भाई, क्या लोगे? कोल्ड ड्रिंक। He is pure veg, चमन भाई। कोल्ड ड्रिंक नहीं, दो चाय लेके आए इनके लिए। हाँ बकपुर। चमन भाई, इसने बताया आपका जॉब कंसल्टेंसी का बिजनेस है। अपना फुल सब एजेंसी का बिजनेस है, कहाँ जॉब है कहाँ नहीं है, इस चमन भाई के हार्ड डिस्क में सब कुछ जमा है, समझा? हाँ चमन भाई, मेरे को मीडिया से रिलेटेड कोई भी जॉब चलेगा। मीडिया से रिलेटेड? खैर पूछ के बताता हूँ। ए भाई स्टीव जॉब, अपने को मीडिया का ओपनिंग बता जरा क्या है, फटाफट बता, तेरा टाइम शुरू होता है अब। हाँ ठीक है, चल अभी फोन काट, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, चल रख। देख भाई, मीडिया का तो हाउसफुल है। हा? ओके, एक अपन के पास जुगाड़ है, अपना एक ब्रिटिश चैनल में पहचान है, वो भी न्यूज चैनल है। कहाँ? ब्रिटेन में? नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान? अबे हाँ, वहाँ पे अपना एक दोस्त एचआर वाला है यार, वहाँ पे चले जाओ, किसी वॉर इफेक्ट पे कोई फिल्म बन रही है, वहाँ पे लगा दूंगा तेरे को, उसमें क्या है। चमन भाई, इसको मरने से पहले स्वीटी से माफी मांगने भी जाना है। अरे तो वहाँ अफगानिस्तान जाना। पर चमन भाई अफगानिस्तान? अरे घूम के तो आ, क्या पता तेरे को उधर से लंदन का टिकट मिल जाए। वो लड़का और उसका भाई, वो दोनों तो नहीं मिले, लेकिन उन दोनों का वो जो नकली बाप था ना, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाँ अमित भाई। हाँ जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में क्या सोचना? देखो जो बीत गई सो बात गई। जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। ना मुझसे चुरा ले, रख लो आँखों में, मैं खोलो पलके, ना मैं कोई तुझको, ना मुझसे चुरा ले। वाह, क्या कर रहे हो? बस। अरे क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? और नहीं लेना है, डायबिटीज है तुमको। देखो डॉक्टर साहब और तुम मिले हुए हो, स्वीटी देखो क्या कर रही है तुम्हारी बा। स्वीटी क्या हो गया इसे? स्वीटी
स्वीटी। स्वीटी स्वीटी बेटा क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो? देखो ना, हमसे भी तो चूक हो गई। हाँ। हमारे जमाने में तो जान पहचान वालों में ही रिश्ता करते थे। इसी बात का तो दुख है माँ, वो मेरा जानने वाला था। क्या? मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? चल, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अगर शादी के बाद भाग जाता तो क्या कर लेते हम? मेरी सोच बहुत जल्दी काम करने वाली है, तू देख। This card is also not registering. ये भी नहीं चला? No. क्या तू एक काम कर, ये जो है ना मेरी घड़ी, ये घड़ी इसको लेके जाके रखो, मैं कल आके ना तुम्हारा बिल दे दूंगा, समझे क्या? ले। वैसे हिंदी समझ में नहीं आती। आती है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, समझ गई, घड़ी लेके गई ना, बस काम होना चाहिए। This watch is fake. I need cash. Duplicate? We don't accept duplicate. No, original. Original? मैं संभालता हूँ। तेरा original मुझे पता है कितना है। Yeah, you take this. Thank you. Thank you. अरे ऐसे कैसे, उसने साला duplicate मेरे को दे दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो केस कर दूंगा उसके ऊपर, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाँ, केस कर देना। तू नंबर ट्राई कर उसका। अभी मारता हूँ ट्राई, एक बार तो ट्राई माननी पड़ेगी ना भाई। देखता हूँ पढ़ते कि नहीं पढ़ते। देख देख देख। हेलो। ए बोला भाई, कैम छो? पहले से बहुत ज्यादा बेटर और फिट महसूस कर रहा हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। स्वीटी बेटा कैसी है? स्वीटी भी ठीक ही है। अच्छा, ऐसा है ना बोला भाई के मेरा भतीजा रसिक लाल, उसका और स्वीटी के शादी के बारे में हम लोग एक बार फिर से सोचेंगे तो अच्छा होगा ना, क्या बोलते हो? पर इस बार कुछ भी कमिट करने से पहले मैं स्वीटी के मन में क्या है ये जानना चाहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ आपके फोन का। ओके। अरे तुम कब आई? डैड मेडिसिंस ले लीजिए। डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। आप जस्सू अंकल को मेरी तरफ से हाँ बोल दीजिए। बेटा ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, एक बार फिर से सोच लो। यार स्वीटी, तू पागल हो गई है क्या? तूने उस रास्कल के लिए हाँ बोल दिया? एक बार खुद के लिए डिसीजन लिया था, मिला क्या? तुम सबने देखा, इसलिए अब वही कर रही हूं जिसमें माँ और पापा की खुशी है। अरे इंपॉर्टेंट बात फोन पर भी तो हो सकती है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ बातें करने के लिए, इमोशंस के लिए नहीं है। अच्छा क्या बात है, बड़ा इमोशनल हो रहा है तू आज। है तबीयत तो ठीक है तेरी? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनेगा ना तो तेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। क्यों, कोई बैक्टीरिया लेके आया क्या मुझे मारने के लिए? अरे बैक्टीरिया नहीं, सुन मेरी बात। वो ब्राइड है ना, ब्राइड कौन? अरे वो लड़की, वो स्वीटी देसाई। हाँ क्या हो उसे? हाँ उसका एक्सेप्टेशन आ गया है। क्या बात कर रहा है? हाँ शादी के लिए आ कर दी उसने, तैयार हो गई है। मान गई वो? हाँ। नहीं नहीं, तू 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 झूठ बोल रहा है। अरे सच बोल रहा हूँ। मान गई वो? बिल्कुल मान गई वो। भोला भाई का सारा माल प्रॉपर्टी जो कुछ भी है ने, वो सारा का सारा दीमक की तरह चाट जाएंगे। अरे पर तू ऐसी खुशखबरी के लिए तूने मुझे ये ड्राई जगह क्यों बुलाया?
चल आजा पार्टी करते हैं, दारू शारू पीते, किसी रंगीन जगह चलते हैं, याशी मारते हैं थोड़ी सी। चलो याशी मारने के लिए, रंगीन जगह जाने के लिए जेब में पैसा चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। बड़ी तू रहेगा गरीब का गरीब है। अरे मैं हूँ ना, मैं तेरे को दारू पिलाता हूँ, आजा पार्टी देता हूँ। अरे पैसे आने वाले हैं, ये ले इससे बाल सेट करने। आजा अरे छोड़ यार, दारू पियेंगे तू आसान। ये बता कि कहाँ लगे? अरे मैं पिलाऊंगा। आओ जसू भाई। नमस्ते 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 मम्मी जी। खुदियार माँ तुम्हें हमेशा खुश रखे। स्वीटी दिखाई नहीं दे रही, शायद ऊपर होगी। मैं मिला हूँ ऊपर। हाँ जाओ आई। हाँ जीजा जी, नाइस बॉय इज द स्वीटी। कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ सनसेट देख रही हो। ऐसे ऐसे ही बात करता था ना वो आकाश। हाँ I'm sorry, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा आपको हंसाना चाहता था, इसलिए सॉरी। इट्स ओके। हाँ इट्स ओके, मतलब आपको बुरा नहीं लगा? अरे वाह, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मतलब इस शादी से आप खुश तो हैं ना? अरे ना ना करते यस, वो तो कर गई कर गई। अरे कर गई कर गई कर गई। स्वीटी, तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? शादी का डेट फिक्स हो गया है, कार्ड भी छप गया है, लेकिन इसका दिल नहीं मिल रहा है तो दिमाग। अजय, तुम क्या कार्डियोलॉजिस्ट है? तुमको कैसे मालूम कि इनका दिल नहीं मिलता है? हमको मालूम है। आई नो एवरी ईयर कॉलेज में कितना लव स्टोरी शुरू होता है और कॉलेज खत्म होने तक कितना लव स्टोरीज खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर लग रही हो। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करूं। अब बचा ही क्या? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पूरी दुनिया के सामने तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। एक बार ये तक नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। एक मिनट पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो क्या सुनो? पिछले 7 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं गया आकाश जिस दिन मैं तुम्हें कॉल न किया। स्वीटी मेरा फोन नंबर ही बंद था। नंबर बंद था, फेसबुक ईमेल कहीं तो रिप्लाई किया होता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें किस मुंह से रिप्लाई करता? मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूं?
आकाश आज मेरी शादी है। एक बार तो तुम सब कुछ बर्बाद कर ही चुके हो, प्लीज प्लीज आज मत करना। मैं तुम्हें यहां बर्बाद करने नहीं आया स्वीटी, मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूं कि रसिकलाल से शादी मत करना, वो एक फ्रॉड है और वो तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसों के चक्कर में शादी कर रहे हैं। That's it. बोलिया, अब चुपचाप निकल जाओ यहां से। अगर रसिक फ्रॉड है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुजदिल की बीवी बनने से तो अच्छा ही है कि मैं फ्रॉड की बीवी बन जाऊं। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से गिरा हूं आदि खाने तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर आदि लाने तू मुझको बसेरा मेरा। एक मिनट रुको। हाँ तो हेलो जी, अजी लो जी वद्या शर्बत। हाँ, जी लो लो। हाँ बस ए भाई साहब, आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है, पहचान रहा हूँ मैं, किधर किधर देखा है? असी बहुत पॉपुलर है जी। अच्छा, धर्मेंद्र प्रा हूँ मैं। वो धर्मेंद्र बोलो तारा रा रा तारा रा रा। चीयर्स चीयर्स क्यों करो भाई, बता जुए छे बड़ी गड़बड़ थी जस भाई। आई 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 आई, मैं बोल रहा हूँ ना, आइए कम कम। ये रस्कल, ये गुड़ 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 पानी के उबलने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मेरे पेट से आ रही है। तेरे पेट से गुड़ 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 आ रही है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे बाप रे, अरे ऐसे टाइम पे तेरे को आ रहा है? क्या बोलूं अभी मैं, के कैसे ये टाइम पे लड़की आने वाली है? अरे रुक, ए ए भाई तू, अरे तू मामा जी जल्दी से कन्या को लाइए। हार दो, हार दो। अभी भाई माला दीजिए, दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे। आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्णा, प्रथम तेरा आरंभ कीजिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। अब अंतिम फेरे में वधू आगे रहेगी और वर पीछे रहेगा, और इसी के साथ आज
वर वधू की शादी संपन्न हुई है। मुबारक हो, मुबारक मुबारक भाई, आशीर्वाद। अरे ये शादी नहीं हो सकती, नहीं नहीं हो सकती ये शादी। हो चुकी है। Who you two? मैं रसिकलाल। अरे मैं असली हूँ। ए रसिकलाल, तू क्या कर रहा है इधर है? और ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अरे ए भाई, ये कौन है नकली दूल्हा? दिखाओ चेहरा। क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एक बुजदिल की बीवी बनने के बजाय तू एक फ्रॉड की बीवी बनना चाहती थी ना? ले, बन गया मैं तेरा फ्रॉड। ये फ्रॉड मेरा पति कभी नहीं हो सकता। बेटी, फ्रॉड ये नहीं है, फ्रॉड तो ये दोनों हैं, आस्तीन के सांप। तुझसे मिलने के बाद ये मेरे पास आया और इसने मुझे वीडियो क्लिप दिखाई। ये दोनों तो मुझे लूटना चाहते थे। बेटा, ये तुझे पागलों की तरह प्यार करता है। ये अनाथ है लेकिन बहुत जेन्युइन लड़का है। और सबसे मजे की बात है, ये एनआरआई भी है। एनआरआई है तो अपने पास रखिए। इस आदमी की बीवी बनने से तो अच्छा मैं मर जाऊं। स्वीटी, स्वीटी कहाँ जा रही? स्वीटी, स्वीटी रुक जा। स्वीटी, अरे स्वीटी, स्वीटी रुक जा। स्वीटी रुक जा। स्वीटी भाग गई। अरे तू कहाँ भाग रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर, चल जल्दी। अभी चलो, जल्दी चल, अभी भी चांस है। चलो चलो, आ गया, चल ना जल्दी। भागो भागो। तू कहाँ भाग रहा है? आप ही ने तो बोला भागो। अंदर बैठ, अंदर बैठो, अंदर बैठो। कौन चलेगा? मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मैं चलाऊंगा। हाँ। चल 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 Stop following me! Sweetie, ऐसा मत करो स्वीटी। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ स्वीटी। स्वीटी आकाश, स्वीटी प्लीज रुक जाओ स्वीटी। Just go to hell! स्वीटी, देख तेरी माँ बुला रही है तुझे। तारी बात को सांभर। तेज चलाओ। सर सर, I love you. मेरा पीछा करना बंद करो आकाश। मैं हूँ प्यार तेरा। आजा, आजा, आजा। स्वीटी रुक जा, कौशू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। स्वीटी, लेकिन हम तो उसके पीछे हैं। तू चुप रह। स्वीटी रुक जा, मैं तेरे पीछे हाथ जोड़ता हूँ। रुक जा। स्वीटी, क्या कर रहे हैं? ऐसा ही। तू ठीक है ना? अबे जब घोड़ा चलाना आता नहीं तो बैठा क्यों? अबे साले, मेरी स्कूटर लेके तो तू भाग गया। जा आकाश, जा। स्वीटी रुक जा, स्वीटी तुझे मेरी कसम है। रुक जा स्वीटी। Go to hell! तुम्हारी बीवी बनने से तो अच्छा मैं अपनी जान दे दूं।
देखो डियार मां, बचा भी लो। Somebody go help karo Akash! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चल शादी कर लेते हैं। चल, भागो यहाँ से। क्या हुआ? सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या डीके? स्वीटी बेबी को स्विमिंग तो आती है। हाँ? फिर खुदकुशी करने वो पानी में क्यों कूदी? मैं कैसे जानूं? उसको ही पूछना पड़ेगा। स्वीटी। टेल स्वीटी। इस इडियट की वजह से इसे स्विमिंग नहीं आती। मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि ये सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। ना ही मैं बुजदिल हूं और ना ही मैं फ्रॉड हूं। हालात खराब थे इसलिए उस टाइम कुछ कह नहीं पाया, पर अभी कह रहा हूं। स्वीटी देसाई, आई लव यू। सही में अब शादी संपन्न हुई। सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, हाय लगती है रानी रात दियो दिल लगे कुड़ी। डायमंड चुमके हाय मेरे डायमंड चुमके, लौंदी शकीरा नाल बद के टुमके, जान कड लेंदे ये ते डायमंड चुमके। ओ सारा फ्लोर हिला दूं और आग लगा दूं, ओ सारा फ्लोर हिला दे और आग लगा दे, जद जुगनी बन के नाचदी ओ दिल लगी कुड़ी। हे किम छो, मजा मा छो? आजा रे आजा छोरी सुन मेरा हाल, पार्टी में बिजी रहूं मैं तो पूरा साल, डैडी जी रहे फुल परेशान मेरे ते, मम्मी जी बोले घर आजा मेरे लाल। I don't wanna go home क्योंकि I'm tally, पूरी बोतल पिए बिना मिले ना तसल्ली, ऐसे में तू ही पता कौन जाए घर, बेबी तेरे जैसी कुड़ी जब मिल जाए कल्ली। ऊपर से बोल दे जो केम छो सुन के हार्ट वाली बीट बढ़ जाती है, आंखों में आंखें डाल के जो पिला दे पैक, भाई गोड दारू ये डबल चढ़ जाती है। नाइट क्लब जाके कर जदो डांस, मुंडे अखा विच जगा बग कर दे रोमांस, हाय नाइट क्लब जाके कर जदो डांस, मुंडे अखा विच जगा बग कर दे रोमांस। हो कभी लगती हरम कभी एक बम, ओ कभी लगती हरम कभी एक बम, कभी बोतल दे शराब दिए दिल लगे कुड़ी। लगी कुड़ी कुछ
गुजरात दी हो दिल लै गई कुड़ी, दिल लै गई कुड़ी गुजरात दी हो दिल लै गई कुड़ी गुजरात दी।